नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन के लिए नॉर्थन बॉर्डर पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने अधिकारी को निर्देश दिए। वहीं कुंभ मेला अधिकारी ने दूसरे राज्यों से आ रहे यात्रियों से बातचीत भी की। साथ ही कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बाहरी राज्यों से उन यात्रियों को वापस भेज दिया जिनके पास 72 घंटे तक की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। वहीं उन्होंने नॉर्थन बॉर्डर पर हो रहे कोविड टेस्ट के काउंटर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान नॉर्थन बॉर्डर पर मौजूद कर्मचारी को उन्होंने सख्त दिशा निर्देश दिए और कहा कि जो यात्री बाहर से आ रहे हैं यदि उनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो उनको उत्तराखंड में प्रवेश मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो यात्री या श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको ई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और साथ ही 72 घंटे की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ लानी होगी, तभी उत्तराखंड में प्रवेश मिलेगा। इस दौरान साथ ही कुंभ SSP जनजय खंडूरी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कुंभ के लिए नॉर्थन बॉर्डर पर सीमा सशस्त्र बल PRD उत्तराखंड पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। देखिए, बेसिकली जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हमने अमली जामा पहना रखा है और काफ़ी लोगों की ड्यूटीज़ जो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, इसके अलावा NSG है, इसके अलावा हमारे लोकल पुलिस और PAC का कंपोनेंट है, तो पर्याप्त पुलिस बल है और उनको असिस्ट करने के लिए होमगार्ड और PRD की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। जहाँ तक बॉर्डर्स की बात है तो बॉर्डर्स पे भी पुलिस फोर्स मुहैया कराया गया है, जो कि सेक्टर जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स के साथ पे एक CO रैंक का अधिकारी है वो भी बॉर्डर में तैनात किए गए हैं जो कि चेकिंग व्यवस्था को देखेंगे। ट्रैफिक की बात देखिए, बेसिकली हर डायरेक्शन से आने वाले ट्रैफिक के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई हैं। पैदल मार्ग व्यवस्था के लिए भी हमारे द्वारा अलग एक प्लान बनाया गया है, तो प्लान के मुताबिक ही सारी पार्किंग्स और पैदल यातायात को रेगुलेट किया जाएगा। में अच्छी व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे जॉन मजिस्ट्रेट साहब स्वयं भी हैं, अच्छा काम वो कर रहे हैं। मुख्यतः मैं देखने आया था कि जो हमारे वाहन आ रहे हैं बाहर से, इसमें जो हमारे यात्रीगण आ रहे हैं जो हरिद्वार जाना चाहते हैं, क्या उनका पहली बात तो ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं है, सेकेंडली क्या उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR की वो है या नहीं है। तो इसमें SOP बहुत स्पष्ट है कि जो ये लेके नहीं आएगा उनको आप मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं देंगे, अन्यथा इससे अगर वो संक्रमित हों तो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बड़ा जमावड़ा होता है, लोग जगह जगह से आते हैं, तो सबके स्वास्थ्य को देखते हुए ये किया जाना बड़ा आवश्यक। अभी मैंने ये चेक नहीं किया है, मैं अंदर जाके देख लेता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत यहाँ पे आएगी, हमने सभी SDMs को फंड सैंक्शन किए हुए हैं कि लोकल स्तर पे उसको व्यवस्था कर लें। इन केस फंड्स की कमी होगी तो हम और भी फंड्स यहाँ पे दे दें। उसका मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि हमारे जो पोर्टल है उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन आवश्यक है और उस पोर्टल के अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी उसमें लगानी होती है, तभी आप ये मानेंगे कि मेला क्षेत्र में आने के लिए आप और हम लोग सब सुरक्षित हैं।